मासूम के मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सकुल अपना बचाव कर रही है, बलि का बकरा बना रही है उसको। एक कत्ल, दो कहानी। स्कूल में किसी बच्चे के साथ टीचर की पिटाई के किस्से आपने सुने होंगे। किसी छोटे बच्चे के साथ स्कूल में दुष्कर्म या छेड़छाड़ की घिनौनी कहानी भी कई बार आपने सुनी होगी। लेकिन गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में जो हुआ वो बेहद खौफनाक है। पहली बार किसी स्कूल में हुआ है एक मासूम बच्चे का मर्डर। स्कूल के दयो दीवार पर मौजूद है सनसनीखेज गुनाह के निशान। स्कूल की दीवारें खून से सनी हैं। रॉयन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आखिरकार हम दाखिल हो गए हैं और क्राइम सीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, स्पॉट पर इसे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जरूरी है बताना, यहाँ पोछे में भी खून लगा हुआ, यानी खून को साफ किया गया है यहाँ पर। बेबस माँ के आंसू इंसाफ मांग रहे हैं। मेरे बच्चे को मैं खुद छोड़ के आती थी और खुद लाने जाती थी। इसके पापा छोड़ते थे और मैं खुद लाने जाती थी कि मेरा बच्चा जल्दी घर आ जाए। मासूम के मर्डर पर कोहराम मचा है। मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर पूरा सिस्टम खामोश है। मासूम के मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। क्यों किया आपने ऐसा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं किया। कंडक्टर मतलब इस प्लानिंग से आया था कि वो जेब में चाकू लेकर आया, उस लड़के के जस्ट उसके पीछे गया, तो ये एक डाउट का विषय है जिसकी कि अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो। सकुल अपना बचाव कर रही है, बलि का बकरा बना रही है उसको। वो खुद बीमार है, हैंडीकैप है, 42 साल का आदमी, बताओ ये काम करेगा? एक कत्ल, दो कहानी। गुरुग्राम के रॉयन इंटरनेशनल स्कूल की आलीशान बिल्डिंग एक मासूम बच्चे को जिंदा निकल गई। वो बच्चा वहां पढ़ने गया था, सुबह हंसते खेलते स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्कूल से बाहर आई उस मासूम की खून से लथपथ लाश। लाखों की फीस वसूलने वाले स्कूल की लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। जो बात हो रही है लगातार कि कंडक्टर ने ये सब किया है, हमने जब आपसे बात की आपको लग रहा है कि ये कोई साजिश का हिस्सा है, कंडक्टर से या स्कूल बस से प्रद्युमन का कोई लेना देना नहीं था, आखिरकार बच्चा स्कूल कैसे जाता था? मैं मेरे बच्चे को मैं खुद छोड़ के आती थी और खुद लाने जाती थी। इसके पापा छोड़ते थे और मैं खुद लाने जाती थी कि मेरा बच्चा जल्दी घर आ जाए। वो कभी भी स्कूल बस से नहीं गया था, कभी भी स्कूल नहीं जाता था। हम लोग खुद उसको छोड़ने जाते थे, खुद लेके आते थे अपने बच्चे को। इस माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, इस बेबस माँ की जुबा पर एक ही फरियाद है, कोई मेरे बाबू को लौटा दे, मेरे बाबू को मेरे पास ले आओ। लेकिन इस मां का बाबू यानी मासूम प्रद्युमन ठाकुर अब कभी नहीं लौटेगा। वो तो इसकी ममता का आंचल छोड़कर उस दुनिया में चला गया जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता है। सिर्फ 15 मिनट में इस मां की तमाम खुशियां उजड़ गईं। माँ ने हर रोज की तरह लाडले को अपने हाथों से तैयार किया था। सुबह करीब 7:55 पर मासूम प्रद्युमन पापा की उंगली पकड़कर स्कूल गया था। अभी पापा घर लौटे ही थे कि पीछे पीछे एक बुरी खबर आ गई। मेरे हस्बैंड गए थे 7:55 में, ये लोग घर से निकले, घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, 8:00 पे छोड़ के वो 8:05 में घर आ गए।
जैसे वो घर पे आए चाबी उन्होंने फ्रिज पे रखी, मेरे फोन पे फोन आया क्या लेट हो गया था, बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल, उन्होंने बोला नहीं लेट नहीं हुआ गया। जैसे इन्होंने फोन उठाया, फोन किया अपने फोन से, तो मैम ने बोला कि आपका बेटा गिर गया है बाथरूम में और उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हम आर्टिमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप पीछे से आइए। प्रद्युमन की माँ का आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल ने इन लोगों को फोन पर एक बार भी ना तो पूरी बात बताई और ना ही इनके बच्चे के बारे में सही सही जानकारी दी। किसी शैतान ने स्कूल के अंदर इनके बच्चे को मार डाला और स्कूल की प्रिंसिपल और तमाम दूसरे लोग झूठ पर झूठ बोलते रहे। रॉयन इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। भला 7 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे गला रेत कर मार डाला। इस हत्याकांड की तहकीकात जब शुरू हुई तो शक की सुई स्कूल की बस के एक कंडक्टर पर जा टिकी। उस कंडक्टर ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया उसके बारे में सुनकर सभी सन रह गए। स्कूल में हुई इस खौफनाक वारदात के कुछ ही घंटे बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस शैतान का कहना है कि टॉयलेट करने आए मासूम प्रद्युमन को इसने दबोच लिया था, लेकिन बच्चे ने शोर मचा दिया तो इस दरिंदे ने चाकू से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आप भी सुनिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर प्रद्युमन की हत्या के आरोपी का इकबाल जुर्म। रियाल इंटरनेशनल स्कूल के बस का कंडक्टर अशोक हमारे साथ है, जो जगह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशोक, आपने गुनाह कबूल कर लिया है ऐसा पुलिस बता रही है, क्यों किया आपने ऐसा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई जी, दिमाग काम नहीं किया जी। अफसोस है आपको? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा अफसोस है जी। चाकू आपके पास कैसे आया? क्या आप चाकू हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? नहीं जी, बस में ही पड़ा था काफी दिनों से, पुराना चाकू, उसको साफ करने के लिए आया था वहाँ बाथरूम में, घर ले जाऊंगा काम आ जाएगा बस जी। चाकू साफ करने के लिए बाथरूम में आए थे? हाँ जी। क्या हुआ, घटना क्या हुई, कैसे हुई ये बताइए। बस लेटरिंग होने लग गया जी, लेटरिंग मैं बड़ा हुआ था वहाँ पर, गलत काम करने लगा एक लाई, वो बच्चा दौड़ के मेरे उसमें बढ़ गया लेटरिंग में। घटना को अंजाम देने के बाद आप कहाँ चले गए थे? वहीं पे था, वहीं पे था। सुना आपने, एक मासूम को चाकू से गोदने वाला ये शैतान कितनी बेशर्मी से कह रहा है कि टॉयलेट में बच्चे को अकेला देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस दरिंदे ने ये भी कबूल किया कि अब वो अपने गुनाह की हर सजा भुगतने को तैयार है। तो आप हर इस गुनाह के लिए हर सजा भुगतने को तैयार है? हाँ जी। ठीक है, तो सामने आपके अशोक जो कि रियान इंटरनेशनल स्कूल के बस का कंडक्टर था, और इस दरिंदे ने जो दरिंदगी की उसके कारण एक परिवार की खुशियां उजड़ गई। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रद्युमन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से उसने कहा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस वजह से उसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, और अब वो साफ तौर पर कह रहा है कि इस गुनाह के लिए वो हर सजा भुगतने को तैयार है। लेकिन अशोक को भले ही उसके गुनाहों की सजा मिल भी जाए, लेकिन इसके कारण जो परिवार की खुशियां उजड़ गई हैं, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला वो प्रद्युमन जो कल हंसते हंसते स्कूल गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब प्रद्युमन कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। कैमरामैन रवीश के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम।
मासूम प्रद्युमन ठाकुर के कत्ल का गुनाह कबूल करने वाला अशोक कुमार करीब 8 महीने से स्कूल की बस पर कंडक्टर की नौकरी कर रहा था। इसका कहना है कि स्कूल बस के अंदर ही इसे एक खराब चाकू मिला था, जिसे साफ करने के लिए ये टॉयलेट में गया था। उसी दौरान उसने उस चाकू से मासूम का गला रेत डाला। गुरुग्राम पुलिस ने भी कंडक्टर अशोक कुमार की इस कहानी को सच मानकर हत्या का केस दर्ज किया है और इसी कहानी की बुनियाद पर पुलिस तहकीकात आगे बढ़ रही है। लेकिन मासूम प्रद्युमन के परिवार वाले इस कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका इल्जाम है कि ये कहानी कंडक्टर की नहीं है, बल्कि असली हत्यारों को बचाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने ये झूठी कहानी गढ़ी है। आप सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल को मारिए, बीच चौड़ाहे पे लाके उसको मारिए। वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वो लेडीज बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। वो सिर्फ झूठ बोल रही है। मैं चाहती हूँ प्लीज सब लोग उसको चौराहे पे लाके उसको मारिए, बहुत मारिए उसको। बहुत गंदी लेडीज है, बहुत गंदी। वो अपने बात को छुपा रही है। एबीपी न्यूज पर उसने कबूला है बकायदा कि हाँ मैंने ये, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ये किया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सजा दी जाए। आप क्या मान के चल रहे हैं? हम यही मानते हैं कि बिल्कुल भी कंडक्टर का कोई दोष नहीं है। कंडक्टर उसमें कल्प्रिट नहीं है। जो कल्प्रिट है उसको छुपाया जा रहा है, कंडक्टर को मोहरा बनाया जा रहा है, उसको पैसे वैसे खिला करके उससे ये बातें बुलवाई जा रही हैं। मासूम के मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। क्यों किया आपने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं किया जी। कंडक्टर मतलब इस प्लानिंग से आया था कि वो जेब में चाकू लेकर आया, उस लड़के के जस्ट उसके पीछे गया, तो ये एक डाउट का विषय है जिसकी की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन। और स्कूल अपना बचाव कर रही है, बलि का बकरा बना रही है उसको। वो खुद बीमार है, हैंडीकैप है, 42 साल का आदमी, बताओ ये काम करेगा? एक कत्ल, दो कहानी। क्यों किया आपने ऐसा? बुद्धि भ्रष्ट हो गई जी, दिमाग काम नहीं किया जी। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या का आरोपी कंडक्टर अशोक कुमार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हमारा प्रमुख तो एक प्रयास ये रहेगा कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे को हम सफल बनाकर इसका चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेंगे। हम बढ़िया से बढ़िया एविडेंस इसमें लाएंगे। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हम ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक किया जाए, एक स्पेशल कोर्ट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जिस व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।